गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। आज आपको थोड़ा सा 10 मिनट लेट वेट करना पड़ा। आई एम रियली वेरी सॉरी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। राइट, आज नंबर सिस्टम की क्लास होगी, राइट है ना? आज से नंबर सिस्टम का सेशन स्टार्ट है, राइट? आज से नंबर सिस्टम का सेशन स्टार्ट है। फ्रॉम टूडे वी विल स्टार्ट हियर द नंबर सिस्टम। ओके, क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? अगर आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स सेशंस को सभी लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि मेरे प्यारे जितने भी मेरे प्यारे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिशियल हैं, राइट है ना, ताकि सभी लोग इस सेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लें, ताकि उन बच्चों को इस तरीके का कोई भी कुछ भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। मेरी आवाज़ सबको आ रही है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स? एक सेकेंड माई डियर फ्रेंड्स। ओके, सो गुड इवनिंग, और आप सभी का स्वागत है। अभी जस्ट हम लोगों के गाइडेंस से 333 बच्चों का अनअकैडमी से सिलेक्शन हुआ है, राइट? तो व्हाई नॉट, आप क्यों नहीं हो सकते हैं? ओके, आपका भी हो जाएगा, राइट? एंड अभी अनअकैडमी पे लेटेस्ट ऑफर चल रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, अनअकैडमी पे कल तक के लिए ऑफर है। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने फ्री, 18 मंथ में 6 महीने, 24 या 36 मंथ पे 2 साल का फ्री है, राइट? एंड ऑन क्रैकिंग, राइट, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचते हो तो अनअकैडमी की फ्री रिफंड हो जाती है। दो न्यू बैचेज हैं, ऑप्शनल। आपका क्या ऑप्शनल है एक बार मुझे बताओ। सभी लोग बताएं सेशन को कैसा रहा सर आपका, राइट है ना? आप कैसा रहा आपका टैबलेट कोर्स, कौन है, क्लास का टाइमिंग चेंज कर दीजिए सर। क्यों चेंज कर दे राइट, क्लास की टाइमिंग क्यों चेंज कर दे? एक बार, बहुत कम बच्चे लाइव हो चुके हैं, सभी लोग एक बार सेशंस को लाइक कर दीजिए, राइट है ना? एक बार सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, एक बार सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे ऐसा रियलाइज होगा कि बहुत सारे बच्चे ने सेशंस को लाइक कर दिया, राइट? सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए, एक बार सभी लोग सेशंस को लाइक कर, इतने सारे बच्चे हैं, राइट? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, वेरी गुड, जियो मेरे प्यारे, सभी लोग सेशंस को लाइक कर दिया और शेयर भी कर दिया, राइट? ओके, तो भाई आज से हम सभी लोग, ठीक है, आज से हम सभी लोग, सर यही टाइमिंग रखिए, देखो ये टाइमिंग ठीक है, राइट? इस टाइम ठीक है। से ऑप्शनल का किसी को भी लेना है तो यू कैन यूज दिस रेफरल कोड SKS10। किसी को कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, राइट? चलिए ठीक है, ओके। ऑफलाइन का फीस है अनअकैडमी नोट्स 2.0। ओके, सो एक बार मैं चाहूंगा सभी बच्चे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, क्या यस सर, क्या मैं अपने कल के रिकॉर्ड को आज तोड़ दूंगा, मैं इतनी पढ़ाई करूंगा कि मैं अपने पिछले रिकॉर्ड को आज तोड़ दूंगा, ठीक है? वेरी गुड। सर एक बार फीस के बारे में समझा दीजिए, किस चीज़ के फी लेना है, राइट है ना? किस चीज़ का फी लेना है? आना क्या है, मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, वहाँ सब कनेक्टिविटी करके मुझसे फ़ी वगैरह की जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो आप ले लेना, ठीक है? जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो आप सभी लोग ले लेना। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस सेशन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाय मी एंड यू कैन से दिस सेशन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाय मी एंड दिस सेशन इट्स मी, राइट? माय नेम इज संजय कुमार साहब। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे SSM सर के नाम से भी जानते हैं, राइट? आई एम पास आउट फ्रॉम IIT दिल्ली एंड आई हैव 9 ईयर्स ऑफ द टीचिंग एक्सपीरियंस, राइट? लगभग दिल्ली के सभी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा चुका हूँ, और अभी अनअकैडमी के साथ, अभी नहीं, करीब लास्ट 4 साल से अनअकैडमी के साथ वर्किंग कर रहा हूँ एज ए टॉप
एंड वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अन अकेडमी राइट एज ए टॉप एंड वेरीफाइड वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अन अकेडमी लगभग 100,000 से अधिक एस्पायरिंग कैंडिडेट्स को पढ़ा चुका हूँ राइट 700 से प्लस सिलेक्शन है फ्रॉम माई गाइडेंस प्रोग्राम तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हो राइट चलिए एक बार मुझे यहाँ पे एक बार सभी लोग बताएं सर मुझे कल की PDF नहीं मिली यस सर आई वॉन्ट टू डू इट बट फीलिंग नर्वस डोंट वरी डो नर्वस राइट जिसको कल की क्लास किसको किसको PDF नहीं मिली सिलेबस की कल का किसको किसको PDF नहीं मिला सिलेबस का राइट जिसको भी नहीं मिला PDF सिलेबस का वो आज मिल जाएगा और आज आपकी क्लास 11:35 PM पर आपकी क्लास आप सभी की क्लास क्या है फ्री है राइट आप सभी की क्लास क्या है फ्री है 11:35 PM पे मेरे प्यारे बच्चे आपकी क्लास जो है ना वो फ्री है एक सेकंड रुको सबके पास मैंने नोटबुक तो मैंने आप सभी को दे दिया था सबके पास सभी लोग नोट्स बना रहे हो आराम से बैठो एक सेकंड बस हो गया मेरे प्यार की कसम चलिए करते हैं शुरुआत सर टेलीग्राम बता दीजिए अपना टेलीग्राम के लिए मैंने आपको बताया तो था CSAT बाय संजय कुमार शाह करो ये मेरा क्लास का डेली का शेड्यूल है राइट है ना चलिए चलो देखो लिखो आज कौन सा लेक्चर है कमेंट सेक्शन में बताओ लेक्चर थ्री ये है आपका नंबर सिस्टम सबसे पहले लेक्चर 3 ये है आपका नंबर सिस्टम मेरे प्यारे बच्चे यूपीएससी जो है केवल 2 टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रही है कितने टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रही है बोलो 2 टॉपिक्स कितने टॉपिक 2 टॉपिक्स नंबर सिस्टम एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन नंबर सिस्टम एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ओके बाय डोंट डिस्टर्ब मी ओके तो इस नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहली बात हम लोग बेसिक्स तो पढ़ चुके हैं राइट बेसिक्स पढ़ चुके हैं राइट इस नंबर सिस्टम में बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम क्या पढ़ेंगे सर डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम भाई बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं राइट ओके डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम राइट है ना फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम के बाद हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम बोले तो शेषफल पर में नंबर संख्या संख्या पद्धति का विकास मैंने कैसे डेवलप हुआ ठीक है रिमाइंडर थ्योरम मतलब कि शेषफल प्रेमी का एक बार मैं सभी बच्चों को कहूँगा जितने बच्चे लाइव हैं क्लास में ठीक है ना सभी लोग मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो राइट टेलीग्राम को सर्च करो 8,000 से प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं CSAT बाय संजय कुमार शाह इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो या नहीं तो CSAT स्पेस पोर्टल यहाँ पर डेली आपको MCQ मिलता है प्रैक्टिस के लिए इस तो टेलीग्राम के एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग सर आई फॉलोइंग योर क्लास फ्रॉम लास्ट राइट सर आई हैव ऑलरेडी राइट ओके राइट ओके रिमाइंडर थ्योरम राइट शेषफल प्रेमिका ओके फिर इसमें हमको पढ़ना है नंबर ऑफ जीरोज का मतलब शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ जीरोज का मतलब शून्यकों की संख्या राइट शून्यकों की राइट फिर आपको इसमें पढ़ना है यूनिट प्लेस या यूनिट प्लेस या आपको क्या पढ़ना है यूनिट डिजिट राइट ओके इसी में फिर आपको एक चीज़ और भी पढ़ना है जैसे कि इसी में पूछा जाता है आपका लास्ट टू या थ्री डिजिट्स इसी में आपको पढ़ना है राइट ओके फिर आपको इसी में पढ़ना है
जैसे कि फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ना है। फैक्टर्स यानी कि आपको गुणन खंड पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको इसी में पढ़ना है फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस। फिर आपको इसी में पढ़ना है सॉर्ट्स एंड इंडाइसेस। आप सभी लोग नोट डाउन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? सभी लोग सर सब्सक्राइब नहीं यार, मैं सोशल मीडिया वेरी गुड। दिन चार हमें रिद्धि दोनों को कांटेक्ट करना था, पर सर 11:30 PM पर, 11:30 PM 5 PM पे आपकी फ्री क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लास है, राइट है ना। इसी में अभी और बता रहा हूँ, इसी में और बता रहा हूँ, फिर इसी में आप यहाँ पे लिख लीजिए, इसी में आप लिख लीजिए यहाँ पे, इसी के नीचे लिख लीजिए, इसी के नीचे, राइट, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, इन कटने का नियम, राइट। फिर आपको इसी में पढ़ना है सीरीज, सीरीज कैसा सीरीज, स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज, जिसमें एपी जीपी एचपी, एपी जीपी एचपी यानी एपी की वाइफ एम, जीपी की वाइफ जीएम, एचपी की वाइफ एचएम, इन सभी को पढ़ना है, राइट। उसके बाद इसमें कुछ और भी चीज़ बचेंगी जिसको हम मिसलेनियस कह देंगे, राइट, जिसको हम सभी लोग क्या कह देंगे, मिसलेनियस। यानी कि कितने टॉपिक हुए मुझे एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सर आप तीनों पार्ट्स कराओगे सी सेट के, और कोर्स कब तक ख़त्म हो जाएगा? मेरे बच्चे आप सभी लोग यहाँ पे जब तक लाइव राइटिंग नहीं समझ आ रही है, प्रिया सिंह सर आप राइट, राइटिंग किसको नहीं समझ में, इसमें कौन सी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है बताओ तो, मैं कोई डॉक्टर जैसा राइटिंग थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। इस टेलीग्राम लिंक को सर्च करके आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। बेसिक्स, डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ जीरोज, राइट, नंबर ऑफ जीरोज, यूनिट प्लेस या वन डिजिट, लास्ट टू या लास्ट थ्री डिजिट, फैक्टर्स, गुणनखंड, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न हो गया, सॉर्ट्स एस इंडाइसेस, डिविजिबिलिटी रूल, सीरीज, स्पेशल। देखो अब आप देखोगे, अगर आप कहोगे कि सर यूपीएससी का और भी इसमें पूछेगा, राइट, यूपीएससी पर से, यूपीएससी में आपका देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछी गई है, यहाँ से भी पूछा गया है, यहाँ से भी पूछा गया है, यहाँ से इसी बार पूछा गया है, राइट है ना, यहाँ से इसी बार पूछा गया है। फैक्टर्स का भी इसी बार क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रैक्शंस का भी पूछा गया है, सॉर्ट्स एंड इंडाइसेस का भी पूछा गया है, डिविजिबिलिटी रूल का भी पूछा गया है, स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, ओके। उसके बाद भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट, उसके बाद भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा। सभी लोग सेशंस को एक बार लाइक कर दें, आगे मूव करूं। अगर आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया तो कमेंट सेक्शन में ए टाइप करो वरना बी। देखो आप ऐसा फील करो कि आप ऑफलाइन में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे राजेंद्र नगर में यानी कि दिल्ली में आकर के बैठ के पढ़ रहे हो, राइट, यू हैव टू फील लाइक दिस, राइट। मैंने सेंड कर दिया, राइट, सभी को, आप सभी को ऐसा फील करना है, ओके, आप सभी को ऐसा फील करना है, राइट, ओके, आप सभी को ऐसा फील करना है, ठीक है, आप सभी को इस तरीके से फील करना है और इस तरीके से आप सभी को पढ़ना है, ओके। मेरी बात सबको समझ में आ रही है सर? सर मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मेरे को सबको समझ में आ रही है? सबको रहस्य सर, ये क्लास फुल सी सेट कॉम्प्लीट, हाँ ये क्लास फुल सी सेट कॉम्प्लीट। देखो अब देखो, पहली बात, जैसे कि मान लो कि ये है आपका लेक्चर थ्री, ठीक है, लेक्चर थ्री में कौन सा है, ये आपका नंबर सिस्टम, राइट। तो पहली बात, नंबर सिस्टम को समझने के लिए, राइट, इस नंबर सिस्टम को समझने के लिए आज की क्लास में हम डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम से समझेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम से समझेंगे, डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम से समझेंगे, यानी कि संख्या पद्धति का किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार उत्पत्ति हुआ, किस प्रकार विकास हुआ, इस पर्सपेक्टिव में हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बेसिकली में ये चीज़ है क्या, इस पॉइंट्स को समझिए, राइट। दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर हो, राइट, वो सभी नंबर्स होते हैं, नंबर्स बनते किससे हैं, डिजिट से, राइट, नंबर किससे बनते हैं, डिजिट से, जैसे डिजिट्स जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन हो गया, एट हो गया और नाइन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक डिजिट भी है और डिजिट अपने आप में एक नंबर है, ये सब क्या है, एक डिजिट है, डिजिट अपने आप में क्या है, एक नंबर है, ये सब एक डिजिट है, डिजिट अपने आप में क्या है,
एक नंबर है, राइट। एक अपने आप में क्या है, ये एक नंबर है, ठीक है। इसको ध्यान से समझो, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। अब देखो ध्यान से देखो, आप सभी लोगों ने क्या ग्राफ पेपर देखा है? क्या आप सभी लोगों ने ग्राफ पेपर देखा है? राइट, दिस इज द इंग्लिश बैच, राइट, दिस इज इंग्लिश एंड हिंदी दोनों, राइट। क्या आप सभी लोगों ने ग्राफ पेपर देखा है? हैव यू सीन देयर ग्राफ पेपर? मैं एक आपको इसका टैगलाइन बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहले देखो, अभी मैं आपको जो चीज़ें मैं लिखवाना चाह रहा हूँ उसको पहले आप लिख लो, ठीक है, फिर हम उसको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, राइट। एक एक करके फिर मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर वो चीज़ें कहना क्या चाह रहा, राइट। जो पैटर्न दे रहा हूँ उसको आप पहले लिख लीजिए, ठीक है, जो मैं पैटर्न दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, फिर उसके बाद बताऊँगा। जैसे कि मान लो एक होता है आपका रियल, पहले अभी लिखना सीखो, राइट, है ना। अभी आप लिखो, रियल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे इसको? हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। अभी आप लिखना सीखो, मैं कैसे कैसे लिखा रहा हूँ अभी मैं थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूँ, राइट, है ना। इस रियल नंबर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। एक है आपका रेशनल नंबर, मैं अभी बताऊंगा ये क्या क्या चीज़ है। रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना। रेशनल नंबर हिंदी में एक होता है आपका इरेशनल नंबर, एक होता है आपका इरेशनल नंबर। भाई रेशनल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अभी मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, राइट, एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। एक ब्लैक पेपर होना चाहिए सबके पास ब्लैक पेपर है, सबके सब ब्लैक पेपर कह रहा हूँ, सबके पास एक वाइट पेपर होना चाहिए सेशंस को, राइट। सर जी मैसेज किया मैंने आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। व्हाट इज दिस रिलेटेड? अंकित सुभाषी पांडा, ठीक है। एक सर को यार थोड़ा सा हीचिंग हो रहा है, ठीक है, थोड़ा राइट हो गया, राइट, थोड़ा सा हीचिंग हो रहा है, ठीक है। देखो उसके बाद इसको जो है ना आप दो पार्ट में बांट सकते हो। एक है आपका इंटीजर, इंटीजर को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक। इसी को हम लोग एक बोलते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे भिन्न। यानी रेशनल नंबर को हमने दो तरीके में डिवाइड किया, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर यानी पूर्णांक, इसको भिन्न। आराम से देखो, राइट। और इस इंटीजर को हम लोग तीन तरीके में बांटेंगे, राइट, है ना। एक होगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर, राइट। एक होगा हम लोगों का नेगेटिव इंटीजर और एक होगा हम लोगों का जीरो इंटीजर। साथ में जरूर लिखना इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव मतलब क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक, राइट। इसका लिखिए धनात्मक, इसका लिखिए ऋणात्मक। जीरो पूर्णांक का मतलब पता ही है आपको, शून्य पूर्णांक, राइट। इसका मतलब क्या होगा आपका? शून्य पूर्णांक, राइट। इसका मतलब क्या होगा? देखो एक एक पैटर्न को फिक्स करना। और ये जो है आपका फ्रैक्शन जो है, राइट, ये फ्रैक्शन होते हैं। एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट, प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। एक होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में लिखिए। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सामान्य भिन्न। क्या बोलते हैं हम लोग? सामान्य भिन्न, राइट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न, ठीक है, मिश्र भिन्न। सभी लोग सेशंस को कल का PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे। जो बच्चा टेलीग्राम लिंक को नहीं ज्वाइन किया है उसको भी मिल जाएगा, उसको थोड़ा ध्यान रखिए, राइट। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, उसके बाद देखिए ध्यान से देखिए, फिर ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, है ना, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ये दो तरीके में बांटा गया है, राइट, है ना। एक है ये आपका इवन और एक है ये आपका ऑड। इवन का मतलब हम होते कहते हैं इसको सम,
ऑड का मतलब हम लोग इसको कहते हैं विषम, ऑड का मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे विषम। इसको पहले एक बार आप सभी लोग नोट डाउन करिए, क्या आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन किया, क्या आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन किया, क्या आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन किया। अब देखो आपका यहीं से सारी चीज़ें निकल के आएंगी जो आपको समझ में आएगा। सभी लोग सेशंस को लेकर, सर मैंने कॉल किया आपको बट बात नहीं हो पाई, शायद बिजी थे आप। हाँ भाई, हाँ बच्चे मैं बिजी था, राइट है ना, मैं बिजी था। इसको पहले नोट डाउन करो। देखो अच्छा मुझे बताओ इसमें कौन कौन सा नंबर अभी छूट रहा है, राइट। इसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा में जो नंबर जो छूट रहा है, इसके अलावा जो आपका जो एक्स्ट्रा में जो नंबर जो छूट रहा है, जो एक्स्ट्रा में जो नंबर जो छूट रहा है, राइट, वो आपका छूट रहा है क्या कहते हैं होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या, राइट, नेचुरल नंबर राइट है ना, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, राइट, फिर आपका छूट रहा है प्राइम नंबर, जो यूपीएससी की जान है। प्राइम नंबर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या और एक छूट रहा है आपका कंपोजिट नंबर जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में सबको, यही इतना चीज़ छूट रहा है। इसको आप लोगों ने नोट डाउन किया, सभी लोग पहले इसको नोट डाउन करो, सेशंस को लाइक करो शेयर करो। अब देखो प्राइम कंपोजिट और कोई नंबर छूट रहा है जो आपको लगे जो मैंने नहीं बताया, रेशनल नंबर बेटा बता दिए, रहा रेशनल नंबर, अभी सबको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। देखो इन सब ये चार्ट बना दिया, राइट। इस ये चार्ट जो है ना हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए, ये जो चार्ट है, ये चार्ट हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए, राइट, फॉर रिवीजन, आपको पता होना चाहिए। देखो अगर कोई आपसे पूछेगा, राइट है ना, अगर कोई आपसे पूछेगा, राइट, इसके अलावा भी आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक्स के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना, बेसिक्स के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। देख देखो जैसे रियल नंबर कौन कौन सा नंबर है, रियल नंबर क्या है, दुनिया का कोई सा भी नंबर, सारा नंबर रियल नंबर है, जितने भी नंबर हैं सभी रियल नंबर, राइट। अगर कोई आपसे पूछा जाएगा क्या इंटीजर रियल नंबर है, यस, इंटीजर रियल नंबर है या नहीं। आप सुनो अभी पहली बार, यहां फोकस करो, कोई नोट डाउन नहीं करेगा, जो लिखेगा उसकी 10-10 शादी होगी, प्लीज कोई नोट डाउन मत करो, पहले समझो। मेरे बच्चे मैं इसको एक एक करके अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन नहीं लो भाई मैं हूँ यहाँ पे। देखो रेशनल नंबर क्या रियल नंबर है, यस। इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर है, यस। इंटीजर रियल नंबर है, यस। क्या रियल नंबर इंटीजर है, नो। मेरी बात सबको समझ में आए। देखो एक काम करो, इसको पहले देखो जैसे नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इवन ऑड, फ्रैक्शन, ये सारे देखो। इवन नंबर क्या इंटीजर है, यस। क्या इंटीजर इवन नंबर है, नहीं, क्योंकि इंटीजर इसलिए इवन नंबर है क्योंकि इंटीजर में आपके ऑड भी हो जाएंगे। ये थोड़ी सी छोटी सी बात है, आप इसको एक बार नोट डाउन करो, सबने नोट डाउन कर लिया, अगर सबने नोट डाउन कर लिया तो कमेंट सेक्शन में SKS10 टाइप करो, SKS10। अगर नोट डाउन कर लिया, नहीं नोट डाउन किया तो आप हमें SP Shah कोड का रिप्लाई, इसको पहले नोट डाउन करो, अभी मैं आपको समझाता हूँ, इसको एक एक करके समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, नीचे से समझाऊंगा, राइट, एक एक चीज़ को समझाऊंगा, राइट है ना, एक एक चीज़ों को आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, खूब बढ़िया तरीके से, ओके, ताकि आप भी कहोगे कि यस बेटा अनिकेत, राइट है ना, आराम से अनअकैडमी से किसी को भी कॉल आए तो SKS10 कोड ही अप्लाई करोगे, इस कोड का डिफरेंट पता है ना क्या है, SKS10 कोड की ऐसी है माया, इन्होंने गाँव के बच्चों को भी सिलेक्शन की सूट है पहनाया। सर आपको प्राइम नंबर नहीं लिखा, यही है, राइट। अब देखो बताता हूँ, चलो अब देखो मैं एक एक करके यहाँ से बता रहा हूँ, ऑड, इवन, जीरो, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव इंटीजर, फिर इंटीजर क्या है, फिर फ्रैक्शन क्या है, एक एक करके
इस पॉइंट्स को लेकर के मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और मैं आपको बताऊँगा और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये सारा का सारा पॉइंट्स एक एक करके चीज़ें क्लियर होते हुए चले जाए और आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। राइट, सबसे पहले यहाँ से बताऊँगा, सबसे पहले इधर नीचे से बताऊँगा, फिर मैं इधर आऊँगा। सबसे पहले देखिए, इवन नंबर, यानी इसको हम लोग कहते हैं सम संख्या। इवन नंबर का पहचान क्या है? व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर वो होता है, राइट है ना, जिसका लास्ट डिजिट, जीरो, दो, चार, छः, आठ, फिर देखो 10, 12, 14, 16 ऐसे से जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर देखो 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि पहचानोगे कैसे जिसका लास्ट डिजिट क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 लिखो कमेंट सेक्शन में, 0, 2, 4, 6, 8। ये जो बच्चा डेफिनेशन देगा, इट इज़ डिवाइडेड बाय 2। अगर डिवाइडेड बाय 2 करोगे तब तो आप फिर से अभी आप अपने ट्रेंड को नहीं पहचाने हो। राइट, उस ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करिए, राइट है ना। इवन नंबर, ठीक है। ऑड नंबर देखो, ऑड नंबर का मतलब क्या है? मतलब कि ऑड नंबर को मतलब हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। इसका मतलब क्या है? कि जो लास्ट डिजिट होगा, 1, 3, 5, 7, 9 इन्फिनिटी, ये इसका मतलब होता है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक, यानी आपकी जवानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इवन नंबर की जवानी ख़त्म नहीं होगी, ऑड नंबर की जवानी ख़त्म नहीं होगी। ओके, जब तक आप जवान हो तब तक आप सभी लोग लिखते हुए चले जाओ। सेशंस को सभी लोग लाइक करिए सर, सभी लोग सेशंस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सभी लोग सेशंस को लाइक करिए और शेयर, प्लीज़ सभी लोग सेशंस को लाइक करें और शेयर करें, सभी लोग सेशंस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लर्नर्स इस क्लास का फ़ायदा ले सके। और मुझे भी, अभी अन अकेडमी पर आपकी क्लास है, राइट है ना, 11:35 पे है। टेलीग्राम लिंक को, जो बच्चा टेलीग्राम लिंक को नहीं ज्वाइन किया है, राइट है ना, ये टेलीग्राम लिंक है, CSAT बाई संजय कुमार शाह, 8000 से प्लस टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर है, CSAT स्पेस पोर्टल, या इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेली MCQ मिलता है प्रैक्टिस के लिए, टॉपर्स कहते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको ये ऑड और इवन बता दिया, ठीक है, ऑड इवन बता दिया, ठीक है। देखो अच्छा, मुझे एक बात यहाँ पे करो, देखो ये बेसिकली जो रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर सीधा एक ऐसा नंबर होता है जिसको इंटीजर का मतलब आप क्या समझते हो यहाँ पे? इंटीजर आप किसको कहते हो? देखो जीरो का मतलब, देखो एक बात बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे लिखा जीरो इंटीजर, राइट, जीरो इंटीजर का मतलब क्या होगा? केवल जीरो, राइट। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा? अगर आप पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फिनिटी तक जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? राइट, पॉजिटिव इंटीजर जाएगा, ओके, राइट। अगर आप नेगेटिव इंटीजर की बात करोगे, राइट, ओके, अगर आप नेगेटिव इंटीजर की बात करोगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, राइट है ना, इस तरीके से आप आगे चलते जाओगे इन्फिनिटी तक, राइट। ये बात सबको समझ में आ रही है? राइट, ये बात सबको समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? ये तीनों चीज़ समझ में आ रही है सबको? यस या नो? अब देखो, अगर आप इसी को जैसे कि मान को समझने की कोशिश करोगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि मान लो कि ये एक नंबर लाइन है, राइट, ये क्या है? ये आपका एक प्रकार का नंबर लाइन है। इसी नंबर लाइन को हम लोग रियल लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल लाइन। इधर क्या होता है आपका? माइनस इन्फिनिटी। इधर क्या होता है आपका? प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत। इसको हम इन्फिनिटी पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे? इसको हम सभी लोग इन्फिनिटी वर्ड पढ़ते हैं। इसको हम लोग नेगेटिव इन्फिनिटी पढ़ते हैं, ठीक है।
आप देखो ध्यान से देखो, जैसे कि ये मान लो आपका जीरो है राइट, इधर जाओगे तो आपका एक दो तीन चार पाँच छः सात राइट, इधर जाओगे तो माइनस वन, इधर जाओगे माइनस टू, इधर जाओगे माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, इधर इन्फिनिटी। इसमें मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट मत लो यार, टेलीग्राम लिंक। इट इज़ वेरी सैड टू से दिस ईयर आई करेक्ट 53 क्वेश्चन इन जीएस बट फेल्ड इन सीसेट। विश्वजीत कह रहे हैं, थैंक। तभी तो विश्वजीत आप इस क्लास को अभी आप अटेंड कर रहे हो, तभी तो आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, अटेंड करो। अब देखो यहीं पे एक चीज़ बताता हूँ, यहीं पे एक चीज़ बताता हूँ। देखो देखो देखो, जो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इसी को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को मतलब, इसको मतलब प्राकृत संख्या। यानी जब हम दुनिया में पैदा हुए, जब हम दुनिया में पैदा हुए तो ये नेचुरल सी बातें थी। ऐसे सुनो, जब हम दुनिया में पैदा हुए तो ये नेचुरल सी बातें थी। हमारे माँ बाप ने पहले हमें सिखाया, बेटा बोलो वन टू थ्री फोर, क्लियर है? वन टू थ्री फोर करना सिखाया हमें, हमें वन टू थ्री फोर करना सिखाया, यस या नो? तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक इधर जाओगे ना तो ये आपका कौन सा नंबर हो जाएगा? ये आपका नेचुरल नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका नेचुरल नंबर। ये बात सबको समझ में आ रही है सर? सर ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स? यस या नो? क्लियर? यस या नो? राइट सर, जरा जल्दी जल्दी नेचुरल नंबर स्टार्टिंग, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो आपका नेचुरल नंबर, राइट, जो आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? वन टू थ्री से। तो आप ऐसे भी आप सोच सकते हो, नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो स्टार्ट फ्रॉम वन टू थ्री फोर फाइव इन्फिनिटी, स्टार्ट फ्रॉम वन, स्टार्ट फ्रॉम वन, स्टार्ट फ्रॉम वन, गिनती के सभी संख्या, काउंटिंग फ्रॉम वन। इज इट क्लियर? काउंटिंग फ्रॉम वन। अच्छा अच्छा, जब हम स्कूल में गए, कहाँ गए? स्कूल में गए। जब आप स्कूल में गए तो आपको मैडम ने क्या करना सिखाई? जब आप स्कूल में गए तो आपको मैडम क्या करना सिखा रही थी? राइट, जब आप स्कूल में गए तो आपको मैडम क्या करना सिखा? मैडम कहे बेटा अब तो ये स्कूल है, अब आप क्या बोलोगे? अब आप क्या बोलोगे? बेटा अब तो ये स्कूल है, राइट। अब आप कैसे बोलोगे? बेटा बोलो जीरो, यानी वन टू थ्री। इसका मतलब जब आप जीरो से स्टार्ट करोगे, राइट, है ना, जब आप जीरो से स्टार्ट करोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, दूसरा कलर का पेन ले लो। देखो जब आप यहाँ जीरो से स्टार्ट करोगे, कैसे? जीरो से जब आप स्टार्ट करोगे, जीरो से, राइट, जीरो से, यानी कि वो होगा आपका होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर का मतलब, होल नंबर का मतलब क्या होगा? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, यानी कि जीरो वन फाइव इन्फिनिटी, राइट। अच्छा तो क्या आप कह सकते हो कि सर होल नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर का मतलब जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर, यस या नो? जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर, यस या नो? लिखो कमेंट सेक्शन में। होल नंबर इक्वल टू क्या हो सकता है? क्या आप कह सकते हो एक लाइन में कि सर होल, होल नंबर इक्वल टू क्या हो सकता है? जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे ये क्या हो गया? क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा तो कॉन्टैक्ट कैसे होगा वो पूछ रही हूँ मैं, किससे? मेरे से? चुपचाप यूट्यूब पर मेरी वीडियो देखो, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, राइट राइट, ओके। इज इट क्लियर? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मेरी बात सबको समझ, इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें मुझे कोई डाउट? अच्छा अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
अब मैं आपसे यहाँ पर एक बात पूछ रहा हूँ, इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब आप देखो यहीं पे एक पॉइंट्स देखो यहीं पे देखो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई क्या होल नंबर इंटीजर है, तो आप कहोगे हाँ है होल नंबर इंटीजर, क्योंकि होल नंबर में जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर है। क्या नेचुरल नंबर आपका इरेशनल नंबर है? मैं पूछ रहा हूँ, क्या नेचुरल नंबर आपका इरेशनल नंबर है? यस या नो राइट। क्या आपसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, राइट? एज नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर, इरेशनल क्या नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर इज द इरेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर क्या नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर है? इज द नेचुरल नंबर इज इरेशनल नंबर, राइट? नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं है? राइट, नहीं है ना, समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है, राइट? देखो, इज द रियल नंबर इंटीजर, इज द रियल नंबर इंटीजर, क्या रियल में इंटीजर है? क्या रियल में इंटीजर है? सर वो अभी देखो भाई, मैंने पूछा नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर, और आपको पता है, देखो आपको पता है क्या नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? जो पॉजिटिव नंबर है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इंटीजर कहाँ आता है? पॉजिटिव इंटीजर यहाँ है, तो पॉजिटिव इंटीजर भाई रेशनल नंबर के अंदर आ गया, तो भाई ये कैसे इरेशनल नंबर होगा? ठीक है, इरेशनल नंबर तो बिल्कुल ही अलग हो गया। रियल नंबर का मतलब रेशनल और इरेशनल, इरेशनल नंबर तो बिल्कुल ही अलग हो गया, राइट? इरेशनल नंबर तो बिल्कुल ही आपका अलग हो गया। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? राइट, मेरी बात सबको समझ। सर ये क्लास डेली होती है? हाँ, ये क्लास डेली होती है, दिस क्लास, राइट? ये क्लास आपका डेली होता है, राइट, है ना? ये क्लास आपका डेली होता है 10 PM में, राइट, है ना? अभी क्लास जो है ना ये है, राइट? अभी ये क्लास जो दीदी आपके वजह से रुकी थी मैं यहाँ पे कि आपको मेरी हेल्प मिल जाए, वरना मैं CSAT कब से ख़त्म कर चुकी हूँ। क्या बात है मीवू खान, बेटा पढ़ाई कर ले, है ना? यहाँ लड़की मत पटकाओ, लड़की मत पटाओ, ठीक है ना? लड़की पटाना हो तो अपने घर में पटाओ, ठीक है? महाबकलोल बच्चा, पढ़ने आता है कुछ और करने आता है, पता नहीं क्या चक्कर है, कौन सी दुनिया से आया है, कहाँ से आया है, किस चंद्रमा से उठ के आया है, किस चंद्रमा से उठ के आया है। सच में बड़ा टफ है यार, नहीं बड़ा टफ है, ठीक है, बड़ा टफ भाई। अभी तक मैंने आपको ये वाला पैटर्न मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया, इस वाले पैटर्न को मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया, ये समझा, फिर आपने ये समझा और आपने ये समझा। अब मैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर बता रहा हूँ, ठीक है? प्रॉपर और इम्प्रॉपर देखो, फ्रैक्शन, ओके। तो इस फ्रैक्शन में क्या है कि मैं आपको प्रॉपर और आपको इम्प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो प्रॉपर का एक सेकंड मेरे बच्चे, एक सेकंड। देखो फ्रैक्शन को हमने एक बार क्या बोला आपको, एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट, एक होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहली बात तो ये समझो कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न,
हम उसको कहते हैं ऐसा नंबर जिसको न्यूमरेटर का मतलब होता है आपका अंश, मतलब हाँ, यानी जिसको आप बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हो, जिसको आप बट्टे के फॉर्म में, जैसे कि मान लो जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, राइट, है ना, 8/3 हो गया, राइट, 109/118 हो गया, 180 हो गया, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बात सबको समझ में आ रही है। पी वाई क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट, इट इज, सॉरी, इज दिस स्टिल योर कॉन्टैक्ट, यस वेंकटेश, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, राइट, यस 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 यस, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, बिल्कुल सर। चलो मैं इसमें मैं अभी लिखूँगा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, अभी मैं लिख दूँगा, इस नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, नंबर ही बताऊँगा तो आपको मैं बता दूँगा। ऐसे भी जिसको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए ना, यूट्यूब पर सर्च करिए संजय कुमार शाह, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख जाएगा, राइट, या नहीं तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, आपको दिख जाएगा, पुराने वीडियो देखोगे तो दिख जाएगा, राइट, है ना, सी सैट कट ऑफ बाय संजय कुमार शाह करिए तो मिल जाएगा, राइट, बहुत सारे तरीके हैं, ओके, लेकिन सीरियस कैंडिडेट चाहिए, राइट, है ना, सीरियस कैंडिडेट चाहिए। तो फ्रैक्शन का मतलब समझ में आएगा, राइट, तो इसमें प्रॉफिट क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, डेनोमिनेटर ये बड़ी होनी चाहिए आपके न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर क्या होगा आपका बड़ी होगी, राइट, यानी कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर आपका छोटा होगा, जैसे न्यूमरेटर 1/2 लिखा है, राइट, 3/5 लिखा है, ये इससे क्या है वो छोटा है, राइट, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, राइट, यानी कि अंश जो है ना छोटा होगा डेनोमिनेटर, राइट, जैसे मान लो 10/19 हो गया, राइट, 15/18 हो गया, राइट, 9/160 हो गया, ये बात समझ में आ रही। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर लार्जेस्ट होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर जैसे 11/3, राइट, 15/4, राइट, 181/50, राइट, राइट, 2000/500, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आई आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या अंतर है, सर सीरियस हूँ, कॉमा में हूँ, 11:35 पे क्लास का लिंक टेलीग्राम पे दे दो, यस 11:35 PM पे जो क्लास होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ऑल रियल नंबर आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट, भाई इसमें मैं आपको क्वेश्चंस बना करके ले आऊँगा कल, राइट, आज जो दे रहा हूँ ना इसको थोड़ा सा आप अपने दिमाग के अंदर फिक्स करो, राइट, आज जो दे रहा हूँ इसको आप अपने दिमाग के अंदर फिक्स करो ताकि आपके लिए ज़रूर हो जाए। सर वीडियो क्लियर नहीं हो रही है, वीडियो क्या चक्कर है, हैं, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो सर, ओनली दिस क्लासेस आर सफिशिएंट टू क्लियर सी सेट, ये तो आपकी मानसिकता डिपेंड करेगा ना, कि आपको पता चलना चाहिए कि ये चीज़ें क्लियर है या नहीं है, राइट, ये चीज़ क्लियर है या नहीं, राइट, इतनी बात अगर आप सभी को समझ में आ रहा है, राइट, है ना, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन SKS10, या नहीं तो आप हमें SP शाह कोड का रिप्लाई करेंगे, जिसको भी समझ में आ रहा है तो SKS10 कोड का रिप्लाई करेंगे, तो SP शाह अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स किसी भी कैटेगरी में लेना है, पूरे अनअकैडमी पे, तो आप इस रेफरल कोड प्रोमो कोड के जगह SKS10 यानी तो SP सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस शाह, SP का मतलब सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस शाह, आप इस कोड को यूज़ करके आप ले सकते हो। 11:35 PM पर अभी क्लास है, फ्री क्लास भी देखने के लिए आप इस कोड को यूज़ करोगे, डिस्क्रिप्शन में आपके पास है, राइट, यस या नो, मेरी बात समझ में आ रही है, सबको मेरी बात समझ में आ रही है, राइट, हाँ सर, इज द रियल नंबर, क्या कह रहे हैं कि सर इज द रियल नंबर इंटीजर, नहीं, रियल नंबर इंटीजर नहीं है, आप पूछ रहे हो कि इज द रियल नंबर, देखो आप पूछ रहे हो कि क्या रियल नंबर जो है क्या इंटीजर है, नहीं, इंटीजर जो है वो रियल है, रियल नंबर इंटीजर है नहीं, इंटीजर जो है ना वो रियल है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान जगह, राइट, ये पॉइंट ध्यान में रखो, राइट, इस पॉइंट्स को ध्यान रखो, ओके, इस पॉइंट ध्यान, रियल नंबर इंटीजर नहीं है, इंटीजर जो है ना वो रियल नंबर है, इंटीजर जो है वो आपका रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर आता है, राइट, है ना, देखो ये हो गया बाप और ये हो गया बेटा, राइट, बेटा, राइट, तो क्या बाप बेटा है, कि आपका जो बाप है वो बेटा हो सकता है आपका, नहीं ना,
लेकिन बेटा जो है वो बाप। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इज इट क्लियर? तो इस पॉइंट्स को आप ध्यान से रखिएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो यहाँ पे, राइट? अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और एक मैं आपको बता रहा हूँ कंपोजिट नंबर, राइट? ये को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर उसको कहते हैं, देखो, को प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका एच सी एफ वन हो, जिसका एच सी एफ क्या हो, वन हो, जिसका एच सी एफ वन हो, जिसका एच सी एफ वन हो। देखो प्राइम नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। किसके किसके पास बॉयफ्रेंड है? कोई ऐसी गर्ल है जिसके पास बॉयफ्रेंड है, कोई ऐसा गर्ल है जिसके पास बॉयफ्रेंड है, कोई ऐसा बॉय है जिसके पास गर्लफ्रेंड है, मुझे बताएं, कोई ऐसा है जिसके पास बॉयफ्रेंड है, जिसके पास गर्लफ्रेंड है, यस या नो, मुझे बताएं, यस या नो, मुझे बताएं, मुझे बताएं सर, यस या नो, मुझे बताएं, यस या नो, मुझे बताएं, कोई ऐसा गर्ल्स है? नहीं है, राइट? सर मेरा तो हस्बैंड है, ये मेरा तो हस्बैंड है, वाह, पहले था अभी नहीं है। देखो तो अकॉर्डिंग टू SSM फंडा, अकॉर्डिंग टू SSM फंडा, प्राइम नंबर का मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि कपल। अब कंपोजिट नंबर का मतलब BF GF। कैसे कहोगे सर, कैसे? देखो कोई भी हस्बैंड ये नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी मेरे सिवा किसी और को देखे, कोई भी पत्नी मेरे सिवा मेरे और, ख़ास तौर पे भारतीय नारी तो नहीं ऐसा चाहेगी, राइट? और कोई भी नारी ये नहीं चाहेगी कि मेरा मर्द मेरे सिवा किसी और मेहरारू को देखे, कोई भी नारी ये नहीं चाहेंगी कि मेरा मर्द यानी मेरी पति मेरे सिवा किसी और मेहरारू को देखे। क्या ये सच है? क्या ये सच है? सेशंस को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, आपको मैं अच्छे तरीके से बताता हूँ, राइट? है ना? इसलिए देखो, इसलिए इसमें फिर से सुनो, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर का मतलब हस्बैंड और वाइफ कपल, पति पत्नी। कोई भी हस्बैंड ये नहीं चाहेंगे कि मेरा पत्नी मेरे सिवा किसी और को घूर घूर के देखे, या कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि मेरा सिवा किसी और को मेरा पति देखे, यानी कि मेरे मर्द देखे, यस या नो? लेकिन खास तौर पे भारतीय नारी तो इतना नहीं चाहती है। एक मैं पॉइंट समझाता हूँ, राइट? मैं सिंगापुर गया, कहाँ गया? सिंगापुर, ठीक है? तो वहाँ पे कुछ चीज़ें देखा, क्या पता है, ख़ास तौर पे जब फॉरेन जाओगे तो देखोगे कि जो पति लोग होते हैं अपनी पत्नी का जो है ना हाथ पकड़ के चलते हैं, क्यों? कोई लॉजिक बता सकता है? या कोई भी पत्नी अपनी पति का हाथ पकड़ के चलते हैं, यानी तो बाहों में बाहों डाल के चलते हैं या कुछ ऐसा पकड़ के चलते हैं, क्यों चलते हैं? कोई लॉजिक बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी द लॉजिक ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग्स? राइट, बताओ, तब तक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कंपोजिट का मतलब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, एक लड़कियों के कई सारे बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कुछ बॉयफ्रेंड उसका टाइम पास हो सकता है, कुछ बॉयफ्रेंड उसके खर्चे के लिए हो सकते हैं, कुछ बॉयफ्रेंड उसके इमोशनली बात करने के लिए हो सकते हैं, कुछ बॉयफ्रेंड पता नहीं किस किस चीज़ों के लिए हो सकते हैं, कुछ बॉयफ्रेंड पर्सनल भी हो सकते हैं, कुछ बॉयफ्रेंड रियल भी हो सकते हैं। तो एक लड़कियों के कई सारे बॉयफ्रेंड, और लड़के के भी कम नहीं गर्लफ्रेंड होते हैं, राइट? एक गर्लफ्रेंड चलो गाँव में होगी, एक गर्लफ्रेंड बाहर होगी, एक गर्लफ्रेंड खर्चे वाली होगी, एक गर्लफ्रेंड ये हो गई वो होगी, राइट? तो इसका मतलब हो गया कि इसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर मैंने चार लिखा,
तो चार किस किस के टेबल में आएगा, एक के टेबल में आएगा, दो के टेबल में आएगा, चार के टेबल में आएगा। जैसे आठ लिखा एक के टेबल में आएगा, दो के टेबल में आएगा, चार के टेबल में आएगा, आठ के टेबल में आएगा। छः लिखा एक के टेबल में आएगा, दो के टेबल में आएगा, तीन के टेबल में आएगा, छः के टेबल में आएगा, राइट। ट्वेंटी जैसे मान लो आपने फिफ्टीन लिखा, एक के टेबल में आएगा, फाइव के टेबल में आएगा, थ्री के टेबल में आएगा, फिफ्टीन के टेबल में आएगा, यस या नो। तो भाई यहाँ पे कंपोजिट नंबर का मतलब यानी कि यहाँ पे दो से ज़्यादा होंगे लेकिन प्राइम नंबर के अंदर केवल हस्बैंड और वाइफ ही होंगे, केवल हस्बैंड। नहीं सर, हम तो विलेज से हैं तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चे मैं बता दूँ, हाँ इसमें बताना मैं आपको भूल गया, बताता हूँ क्यों, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ यहाँ पे केवल और केवल हम जिएंगे तेरे लिए, तुम जियोगी मेरे लिए। यहाँ पर ओनली टू फैक्टर, इसको हम फैक्टर कहेंगे, ओनली टू फैक्टर, इसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसको, फैक्टर कहेंगे, राइट। ओनली टू फैक्टर बट यहां पे मोर देन टू फैक्टर, ये सब फैक्टर ही तो हैं, ये सब फैक्टर ही तो, यहां पे केवल दो फैक्टर होंगे। जैसे जैसे मान लो दो है तो दो को क्या लिखोगे, दो एक और दो के टेबल में आएगा, तीन एक और तीन के टेबल में आएगा, पांच एक और पांच के टेबल, छह क्यों नहीं आएगा, क्योंकि छह एक के टेबल में भी आएगा, दो के टेबल में भी आएगा, तीन के टेबल में भी आएगा और छः के टेबल में भी आएगा। यस या नो, 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 राइट ओके। सेवन एक के टेबल में आएगा, सेवन टेबल में, और बताओ एट उसमें आएगा, नाइन उसमें आएगा, टेन उसमें, इलेवन एक के टेबल में, इलेवन राइट, थर्टीन एक के टेबल में, थर्टीन के टेबल में, ट्वेल्व नहीं आएगा क्योंकि ट्वेल्व जो है यहाँ, ट्वेल्व एक के टेबल में, दो के टेबल में, तीन के टेबल में, सॉरी क्या हो गया, एक दो के टेबल, तीन के टेबल में, चार के टेबल में, छः के टेबल में, ट्वेल्व के टेबल में, यस या नो। क्या आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पता चला? प्राइम नंबर का मतलब जिस प्रकार केवल दो ही पति और पत्नी होते हैं, कपल जैसी चीजें प्राइम नंबर होते, केवल दो फैक्टर, केवल दो पति और पत्नी, और यहाँ पे दो सारी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको, मैंने बताया नहीं वो क्यों ऐसे चलते हैं। कहीं फॉरेन के लोग कहीं मेरी पत्नी मेरे सिवा किसी और के साथ ना भाग जाए, और पति पत्नी लोग सोचते इसलिए अपना हाथ पकड़ते अपनी पत्नी की, कहीं मेरे सिवा किसी और के साथ में भाग जाए। आपने देखा होगा फॉरेनर लोग जो होते हैं वो कई शादियां करते हैं, दो साल, तीन शादी, चार शादी। अभी देखो ना, अभी माइक्रोसॉफ्ट का था, उनका भी तलाक हो गया ना, है ना, आपने सुना था कि नहीं सुना था, राइट। बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं फॉरेनर, लाइक बड़े बड़े स्टार्टअप्स जिन्होंने किया, राइट, बड़े सक्सेसफुल हुए, राइट। बताओ 55-60 साल में आके अपनी बीवी को तलाक दे रहे हैं, डिवोर्स दे रहे हैं, बताओ कितनी शादियों पे शादी करने, पता नहीं इसके अंदर कहाँ से ये लोग क्या खाते हैं, किस प्रकार का इनके पास एनर्जी लेवल होता है मुझे खुद नहीं समझ में आता, राइट, है ना। खैर मैंने तो अभी शादी नहीं हुई, जब होगी तो मैं भी ज़रूर उनसे पूछूंगा, ठीक है ओके। तो सोचना पड़ेगा, राइट ओके। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे, हाँ है ना, इसलिए खैर मेरा ये मतलब नहीं था, मैं आपको कुछ और नहीं बताना चाह रहा था, मेरा एक ही मतलब था कि आखिर मैं आपको लास्ट में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बता सकूं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट, है ना। आपको फड़फड़ाट रहे, देखो ना इस प्राइम नंबर से यूपीएससी क्वेश्चन से पूछिए, यूपीएससी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन ये मुझे बताओ कि प्राइम नंबर, देखो मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ सबको अगर प्राइम नंबर समझ में आ गया, जिसको समझ में आ गया वो प्लीज़ SK10 कोड का रिप्लाई करें, जिसको समझ में नहीं आया वो मुझे SP Shah कोड का रिप्लाई करें, SP Shah कोड का, जिसको समझ में आया, राइट। अब आप मुझे बताओ क्या आपका 18 आपका प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, आप मुझे बताओ यहाँ पर 18 क्या प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, राइट। 19 आपका प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है, राइट, है ना, राइट ओके। मुझे बताओ सभी लोग, राइट, है ना। 39 प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर, ये मुझे बताओ। 41 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ये मुझे बताओ सोच के। भाई सीधी सी मैं भाषा बताऊं, प्राइम नंबर किसी के टेबल में नहीं आता है, किसी के टेबल में नहीं आता है सिवाय वन एंड इट्सेल्फ, केवल दो ही, एक एंड इट्सेल्फ। जैसे 18 देखो 18 दो के टेबल में, तीन के टेबल में भी आता है, फोर के
ये आपका कंपोजिट नंबर का 19 किसी के 12 प्राइम नंबर हो गया, 39 सबके 12 में आता है तो ये आता है, ये कंपोजिट नंबर, 51 प्राइम नंबर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? राइट। अब आप मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, राइट, मुझे बताओ प्राइम नंबर बताओ। जैसे ये लिखा मैंने वन लिखा, वन वन प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ये मुझे बताइए। वन प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर, ये मुझे बताइए। राइट, मेरे प्यारे बच्चे, अभी अन अकेडमी के ऐप पे क्लास है, राइट, है ना, अभी अन अकेडमी के ऐप पे क्लास है 11:35 से, राइट, है ना। आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन किया होगा, आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन किया होगा, यस या नो, आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन किया होगा, राइट, नहीं ज्वाइन किया हुआ है, राइट, राइट, ओके, राइट, है ना। अभी अन वन नीदर प्राइम नॉर कम, राइट, मैं अभी दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन, राइट, क्या है वन, वन क्या है, सर ये क्लास डिलीट कर देते हैं आप, हाँ भाई क्लास डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसलिए क्लास में हमेशा लाइव ही अटेंड किया, राइट, चुपचाप या जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप पे वहाँ पर अपना नंबर सेव करवा लिया करो, व्हाट्सएप पे हो आप मेरा नंबर वहाँ पे सेव करवा लिया करो, राइट। अन अकेडमी से कोई भी कॉल आ रहा है फुल प्रिपरेशन के लिए, अन अकेडमी पे मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, मेरे साथ मेरी टॉप टीम जितने भी हैं, जितने भी आप इस चैनल पे देख रहे हो एजुकेटर, सभी मेरी टीम में है, आपको सभी की क्लासेस आपको मिलेगी, राइट, ओके, राइट, ओके, टेलीग्राम, यूज अनलॉक, अभी मैं टेलीग्राम पे अभी मैं डालूंगा, तो अभी मत जाना अभी, क्योंकि अभी क्वेश्चंस कराऊंगा PYQ, राइट, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा PYQ, ठीक है। देखो भाई सुनो, आप कह रहे हो क्या वन, देखो वैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वन प्राइम नंबर है, कुछ कह रहे हैं वन कंपोजिट नंबर है। भाई प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या दिया, जो पति पत्नी हो, धर्म पत्नी हो, राइट। वन का मतलब मुझे बताओ, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब, क्या इनके पति पत्नी थे, क्या इनके पति पत्नी, क्या APJ अब्दुल कलाम की शादी हुई थी, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी की शादी हुई है, हुई थी, यस या नो मुझे बताओ, हाँ या ना, राइट। मायावती जी ले लो, राइट, मायावती जी ले लो, क्या इनके कोई पति हैं, आपने देखा आज तक, क्या इनके कोई बॉयफ्रेंड है, राइट, क्या इनकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपने देखा, हमारे देश के PM प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ले लो, है ना, मोदी सर, क्या इनकी कोई वाइफ है, आपने देखा, राइट, है ना, इज इट क्लियर, राइट, है ना। आप मेरा भी नाम ले लो, SSM सर ले लो, राइट, है ना, SSM सर ले, राइट, आपने किसी ने मेरी वाइफ को देखा, नहीं ने देखा, भाई साहब ना इनके पत्नी है, ना इनके पति है, ना इनके बॉयफ्रेंड है, ना इनके गर्लफ्रेंड है, तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, इसलिए ऐसे लिखो वन इज, इसलिए आपने देखा वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, इसलिए आपने देखा होगा बुक में ऐसी ऐसी चीजें लिखी होती है, ओके, और आप होते हो कंफ्यूज, जो आपको समझ में नहीं आता, आप होते हो कंफ्यूज जो आपको समझ में नहीं आता। एक सेकंड मेरे बच्चे, एक सेकंड, प्रीवियस क्वेश्चन, भाई सबको समझ में आ गई, सर वॉइस ब्रेक हो जाता है, अरे भैया क्या करें, कोई ऐसे लोग होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, राइट, है ना, इसलिए जो है ना, देखो मैं आपको इसी साल 2023 में इसी साल क्वेश्चन पूछा गया था, इसी साल UPSC में, ये मेरा क्वेश्चंस तो नहीं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, प्राइम नंबर से तो पता नहीं UPSC कितने, प्राइम नंबर पे मैं स्पेशल मैं आपको कम से कम
5 लेक्चर पढ़ाऊंगा प्राइम नंबर के ऊपर स्पेशली, राइट। वो सेशन आपके अनअकैडमी के ऐप पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, राइट, है ना। तो आपको फरफराना नहीं है, बस आपको हमेशा लाइव क्लास देखना है, कोशिश करना है टाइम निकाल के। टेलीग्राम पे अलर्ट रहिए, राइट। देखो जैसे ये देखो क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन, देखो विजुअल हो रहा है, देखो क्या है आपका क्वेश्चन। चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट, इसी साल का क्वेश्चन, विच इज डिफरेंट 17, 37, 40, ये और ये। क्वेश्चन विजिबल हो रहा है, सबको विजिबल हो रहा है, राइट। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा डिफरेंट है, राइट, है ना। कोर राइस, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ भाई, कोई नहीं है टक्कर में सी सैट को लेकर के, राइट। किसी की औकात नहीं है जो आपको आकर के रोज आपको सी सैट फ्री में पढ़ाए, राइट। हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आकर के पढ़ाए और वो आपको आपको फोर्स करें कि मेरे भाई पेड कोर्स ले लो, आप हमारा ये कोर्स ले लो, 10,000, 12,000, 15,000, जितनी भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है यहाँ राजेंद्र नगर में, दिल्ली में, चाहे करोल बाग में, चाहे मुखर्जी नगर, वो सब क्या कर रहे हैं, सब पैसा ही तो बना रहे हैं, आपको बेवकूफ़ ही तो बना रहे हैं, नहीं बना रहे बेवकूफ़, आपको नहीं लगता है। देखो तो सब ने आपको सी सैट में 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 24, 24, 36, 36,000 रुपये लिया, क्या मिला आपको, किसी का कुछ आया किसी। आज मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी, आज मुझे कम से कम मैं बताऊँ, आज मेरे पास अभी 7+1=8 बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर मैं इस कोचिंग से पढ़ा हूँ, मेरा ये हुआ सर, सर मैंने मेरे पूरे पैसे डूब गए सर, जितना पढ़ाया पता नहीं, नंबर सिस्टम के नाम पर सर केवल 3 लेक्चर पढ़ाया, उससे ज़्यादा लेक्चर तो आपने यूट्यूब पे पढ़ाया है। यस यन, राइट। तो मैं हमेशा कहना चाहता हूँ, राइट, है ना, माई डियर, राइट माई डियर फ्रेंड्स, जब मैं चीज़ें आपको डेली पढ़ाई रहा हूँ तो आप क्यों पैसे अपना क्यों अपना वेस्ट क्यों करोगे, राइट, है ना। अगर आपको पेड कोर्स ही लेना है तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा, राइट। लेकिन जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो आपको कहा को आपको पेड कोर्स के पीछे जाना किसी का, ठीक है, ओके। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, बस हमेशा लाइव देखा करो, जो मेरे लाइव सेशन में खो गया समझो वो सीसैट में क्वालिफाई कर गया, वरना पछताओगे, राइट, एज ए आईटी, ओके। देखो सर आपका फ्री क्लास हेल्प कर रहा है भाई, अभी देखो भाई, देखो 17, 37, 47, 48, ये सभी सब ऑल नंबर क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये भी सभी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, आप चेक करना। 83 भी प्राइम नंबर, ये प्राइम, देखो 91 प्राइम नंबर ये नहीं है, क्योंकि 1 के टेबल में 13 × 7 = 91, राइट, इसलिए तो ये प्राइम नंबर, इसका मतलब इसमें सबसे डिफरेंट जो है यही है, बाकी ये भी प्राइम नंबर है, ऑप्शन इसका डी होगा। बात समझ में आ रही है, देखो ना यूपीएससी किस तरीके से, सर कॉम्प्रिहेंशन का भी लेक्चर ऐड कर देंगे, हाँ भाई कॉम्प्रिहेंशन का भी लेक्चर ऐड करूँगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का भी लेक्चर ऐड करूँगा। आप क्यों घबरा रहे हो, क्यों फरफरा रहे हो, फरफराने की तो ज़रूरत ही नहीं है, राइट। फरफराते तो वो लोग हैं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे देखो, अभी मैं आपको देखो मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ, ये देखो आपको मैं होम, अच्छा मुझसे आप एक, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, देखो आप मुझे बताओ प्राइम नंबर किसके अंदर आएगा, इंटीजर के अंदर आएगा या फ्रैक्शन के अंदर आएगा, क्या प्राइम नंबर इंटीजर है, इज द प्राइम नंबर इंटीजर या इंटीजर इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर रेशनल नंबर के अंदर आएगा या इरेशनल नंबर के अंदर आएगा, है ना मेरी बात, राइट। आप मुझे, है ना, देखो 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर आप मुझे बताओगे कितना है, राइट, है ना, 1 से लेकर 100 तक, राइट, फिर 100 से लेकर 200 तक के बीच में आप मुझे बताओगे प्राइम नंबर कौन सा है और कितना है, ठीक है, ये मुझे बताओगे आप, ठीक है, ये मुझे बताओगे, क्योंकि प्राइम नंबर पे यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चंस पूछ चुकी है, मेरे प्यारे बच्चे मैं अभी भी कहना चाह रहा हूँ सभी बच्चों को, राइट, है ना, प्लीज़ आप सभी लोग जो भी बच्चे न्यू हैं, ये टेलीग्राम का लिंक है सी सैट बाई संजय कुमार सा, इसको ज्वाइन कर लीजिए, राइट है ना अच्छे तरीके से। और अभी मैं देखो मेरी अभी क्लास है, राइट, 11:35 PM पे अनलॉक कोड फ्री क्लास है, उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया उसको क्लिक करो, टेलीग्राम में देखो अभी लिंक आया होगा मेरा, है ना, वहाँ पे डाउनलोड करोगे और मेरा रेफरल कोड SKS10 आप क्लिक करोगे तो आप फ्री में मेरी अभी क्लास को आप देख लोगे, अभी जस्ट फ्री में शायद कौन सा कोर्स था प्राइम नंबर सरेशनल, दीदी मेरे पास टेली के अलावा कुछ नहीं है, राइट, हाँ तो कब से मैं वही पूछ रही हूँ, थैंक्स सर, जय हिंद, रिद्धि नंबर दे दो मुझे आपका, ढोकलोलो पढ़ाई कर ले, ठीक है, या ये टेलीग्राम लिंक देखो ज्वाइन कर लो, देखो टेलीग्राम में मैंने आपको शेयर कर दिया है, ठीक है, मिल गया होगा मेरे क्लास का शेड्यूल, ठीक है, 11:35 PM से, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे बच्चे मैं अभी भी इसका PDF आपको मिल जाएगा, राइट, है ना,
बाकी मेरे बच्चे जिसको भी अनअकैडमी पे ज्वाइन करना हो, कोई भी कोर्सेस राइट, चाहे ऑप्शनल का हो चाहे पेड का हो, राइट है ना, अभी अनअकैडमी ऑफर में आपको दे रही है, राइट, यू हैव टू यूज माई रेफरल कोड SKS10, राइट राइट, आप ज्वाइन कर सकते हो प्री मेंस इंटरव्यू और ऑप्शनल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन बाई यूजिंग दिस रेफरल कोड SKS10, इस कोड को यूज करके, इस कोड को ही यूज करना कॉल आएगा तो, ठीक है। देखो इतने सारे बच्चे हमारे सेलेक्टेड हैं, राइट, ऑल इंडिया रैंक 4 हो, ऑल इंडिया रैंक 9, ऑल इंडिया रैंक 12, ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 13, टॉप 20 में, 100 में और 41, तो आप क्यों नहीं हो सकते, आप भी हो सकते हैं, राइट। आइए मेहनत कीजिए मेरे साथ, 50 प्लस टॉप एजुकेटर के साथ, यू हैव टू यूज दिस रेफरल कोड SKS10, इस कोड को SKS10 कोड की ऐसी एम आया जिन्होंने गाँव के बच्चों को भी सिलेक्शन का सूट है पहनाया। चलिए, बहुत अच्छा लगा मेरे प्यारे बच्चे, दे आर ऑल्सो अनेबल टू सॉल्व सी सेट, ओके। एक लड़का कह रहा है कि, एक लड़का कह रहा है कि सर आप इतना एंट्री से लीजिए सो दैट हम सभी बिना थके, सर इतना मैन से हम लोगों को गाइड कीजिए, राइट, ओके, ताकि ज़रूरत लगे तो 500 से 1000 तक एंट्री फी लीजिए सो दैट हम सभी बिना थके रुके सीरियसली क्रिएट करते रहे। शिवम मिश्रा, शिवम मिश्रा, क्या आप वही हो जो आज आपने एडमिशन लिया है कि वन ऑफ द माई कलीग हु इज सेलेक्टेड एज IPS ऑफिसर सर दिस ईयर दे आर ऑल्सो अनेबल टू सी सेट सॉल्व, राइट, ओके, सर टूडे क्लास इन अनअकैडमी विल बी ऑन हिस टॉपिक, इसी के रिलेटेड थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा दूंगा, राइट है ना, राइट सर मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है, अनअकैडमी पर अभी सी सेट क्लास है, फ्री क्लास है, राइट है ना, एंड थैंक यू वेरी मच, रियली थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना लाइव देखते हो, प्यार दे रहे हो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम, आइए अभी अनअकैडमी के ऐप पे आना है तो, है ना सर। 91 इज अ प्राइम नंबर, नहीं नहीं 91 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए वो डिफरेंट था, ठीक है, इसलिए डिफरेंट था। थैंक यू, थैंक यू, सेशंस को लाइक शेयर जरूर करिएगा, इसको कमेंट सेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बस मेरे गुरु दक्षिणा के तौर पे आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, राइट, जिसको भी नहीं आता है जो समझाइए, कल मैं इसको और एक बार समझाऊंगा, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, आइए अनअकैडमी के ऐप पे 10 मिनट के अंदर, थैंक यू, बाय। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, शेयर जरूर, सभी लोग लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, थैंक यू।